तो फिर अभी क्या किए? अपने मर्जी से शादी किए, किसी के दबाव में नहीं किए। किसे शादी किया? बिना से। बिना के साथ कैसे रहिएगा? ठीक से रहेंगे। शादी से खुश हैं आप? हाँ। कैसे जिंदगी अब बिताना होगा? अच्छे से बिताएंगे। अच्छे से बिताएंगे। तेज बोलिएगा। अच्छे से बिताएंगे। कितना प्यार करते हैं बिना जी से आप? साथ जीने में साथ मरना है आप? क्या कीजिएगा? मामला ये था कि हमें दोबारा शादी करनी पड़ी, जो कि हमारा सबूत था वो खो गया था, जो कि हम साबित नहीं कर सकते। हाँ, तो लड़की का घर वाला ने बोला कि नहीं, मुझे सामने में शादी करवाएंगे, तो वो थाना आए। यहाँ आने के बाद बोले थाना पर दिया गया कि दोनों गड़बड़ा राजी खुशी करवा करके यहाँ शादी किया जाए, और कोई बात नहीं है। तो कितने सालों से प्यार चल रहा था आपका? 4-5 साल। अब कैसे रहना होगा? आप खुशी से रहेंगे, अच्छे से रखेंगे, साथ जीना, साथ जीना, साथ मरना। अब खुश हैं आप? खुश हैं। अब क्या कुछ आज हुआ? ये प्यार का मामला था, ये 2 दिन से चल रहा था, हम लोगों को पता नहीं था। और इनके घर वाला फैमिली मानता नहीं था, इनके लड़कियों का। और फिर उसके बाद इसका शादी कर दिया गया। फिर उसके बाद ये लड़की जो वहाँ नहीं रही, इसके वजह से यहाँ आना पड़ा इसे। और फिर इन दोनों ने ठान लिया कि मुझे शादी करना। फिर ये चली गई थी, फिर इसे बुलाया गया, मेरे घर में हादसा हो गया था, तो उसके वजह से मुझे इसे बुलाना पड़ा। मेरा भाई और भाभी का देहांत हो गया है, तो इस वजह से इसे बुलाना पड़ा। तो यहाँ बुलाने के बाद यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो गया, ये लोग मारपीट करने लगे, तो हमने इसे थाने के हवाले कर दिए। तो थाना के हवाले करने के बाद में रात को हम लोग इसे ले गए छुड़ाने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पर सर ने कहा कि इसका कल शादी करवा दिया जाए, तो इसलिए हम लोगों ने